वेव आपका नया है और इसका लेटेस्ट मॉडल है, ये 23BC5 मॉडल है। इसका मैं डेमो आपको बता रहा हूँ, ये इसका फीचर्स हैं सारी, ऊपर दिया हुआ है मिनट है, सेकंड है, फिर ऑटो मेनू है और ये फिर ऑल सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, खाली नहीं चलता है, चालू कर लीजिए, माइक्रो कभी नहीं खाली चलता है। इसमें आप पहले तो बर्तन प्लास्टिक, बोरोसिल, चीनी मिट्टी के रखेंगे, कोई मेटल का बर्तन चमकने वाली चीज नहीं रखनी है। जैसे आपने कभी रखा है, ये कलरफुल है तो चल गए, यहाँ पे गोल्डन लाइन बनी होती वो कभी ना रखिएगा। कोई भी चमकने वाली चीज माइक्रोवेव फंक्शन पे नहीं रखनी है। ओके, हमने एक कप चाय रखी है, आपको गर्म करना है, कोई यहाँ से आपका स्टार्ट दिया है, एक्सप्रेस कुकिंग दो बटन है तो इसको हम दबाएंगे, ये ऑटो मेनू पे, ये आपको ऑटो चल जाएगा एक्सप्रेस कुकिंग। ठीक, तो इस तरह से आप इसमें एक कप चाय गर्म हो जाएगा। अगर आपको इसमें टाइम ज्यादा देना है तो टाइम दे सकते हैं, ये देखिए बढ़ रहा है, सामान के अकॉर्डिंग बढ़ता है। आप एक कप चाय के लिए 30 सेकंड, बाकी आप टाइम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, ये स्टॉप कैंसिल है। अब माइक्रोवेव पे हम बताते हैं कि माइक्रोवेव पे पकाने का काम होता है, आपको पकाना है रोटी दाल छोड़ के कुछ भी पका सकते हैं। ओके, आप ये चावल पकाना चाहते हैं 100 से 150 ग्राम चावल है, सब्जी पकाना चाहते हैं तो सब्जी को तेल मसाला बघार के कढ़ाई से आप उठा के बाउल में रखेंगे और बर्तन इसके अंदर रख देंगे। हमेशा पकाने के लिए बाउल हल्का सा छेद वाला होना चाहिए, खुला होना चाहिए ताकि आपका ढक्कन हटे ना, मतलब गैस बन जाती है ना तो भग से उड़ेगा। हल्का सा खोल के रखिए चावल, अगर आप रख रहे हैं 100 से 150 ग्राम चावल रखिए, पानी डालिए, पानी जैसे गैस में आप चावल चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाएंगे और बाउल आधा खाली रखेंगे। चावल पानी डालने के बाद जितना बाउल पका है 600 ग्राम तक चावल पक सकता है तो इसमें रख देंगे। अब रखने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे माइक्रो पावर लेवल, जो कि ये दिया हुआ है पकाने के लिए। ठीक है, इसको दबाएंगे, ये पावर लेवल हाई लिख के आया, माइक्रो लिख के आया। अब यहाँ से हम टाइम देंगे 10 मिनट करके, ये टाइम बढ़ेगा, यहाँ से 1 मिनट करके बढ़ेगा, ये सेकेंड है, 10 यहाँ से कर देंगे, 1-1 करके हम यहाँ से 6 कर देंगे। अब स्टार्ट का बटन दबा देंगे, इस तरह से मेरा पकाने का काम होगा, जो कुछ ही पकाएंगे इसी तरह से पकाएंगे, माइक्रो पावर लेवल, टाइम और स्टार्ट। ओके, ये माइक्रोवेव का फंक्शन हुआ। अब दूसरा फंक्शन है इसमें माइक्रोवेव में आपके ग्रिल है, ग्रिल पे आप कुछ पका नहीं सकते हैं। ग्रिल पे वो काम होता है जैसे कि आप बाजार से समोसे लाए हैं, पेटीज लाए हैं, जो आपको कुरकुरी चीज खानी हो, घर की दाल मोट बिस्किट नम हो गए हैं, उन चीजों क्रिस्पी करना है तो मार गए हैं, उन चीजों क्रिस्पी करना है तो माइक्रोवेव पर अगर समोसा रख देंगे तो आपका वो समोसा मुलायम हो जाएगा, गर्म तो 30 सेकंड में होगा लेकिन मुलायम हो जाएगा। जो चीज क्रिकरी खानी है तो इस पे रखेंगे, ये अपने समोसा रख देंगे इसमें, या भी घर की दाल मोट नम हो गई, बिस्किट नम हो गए, उनको आप स्टील की प्लेट पे इस जाली पे रख देंगे, स्टील की प्लेट पे। हाँ, आप ग्रिल पे आपको प्लास्टिक नहीं रखनी है, बोरोसिल, चीनी मिट्टी, मेटल कुछ भी रख सकते हैं, ये ग्रिल ऑलरेडी स्टील का है। अब रखने के बाद हम यहाँ से टाइम देंगे लगभग 6 मिनट। ओके, अब स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह पहले हमने इसमें ग्रिल दबाया, ये ग्रिल जैसा हमने दबाया ये है, और ग्रिल दबाने, ये ग्रिल लिखा हुआ है, ग्रिल हमने दबाने के बाद यहाँ से 6 मिनट टाइम दे देंगे और स्टार्ट कर देंगे। अब स्टार्ट का काम कर रहा है ये। ठीक, तो इस तरह से आपके जो भी आइटम रखे वो क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी करने के लिए जब आप रखेंगे तो इसमें जब 3 मिनट टाइम बीत जाए तब आप एक बार डोर खोल देंगे और उस पर जो आप सामान रखा है इसको पलट देंगे, समोसे हैं तो पलट दीजिए, दाल मोट बिस्किट इसको चम्मच से चला दीजिए और फिर वहीं से टाइम 3 मिनट बाद से फिर स्टार्ट कर दिए, चालू हो जाएगा, तो इससे वो चीजें आपकी क्रिस्पी हो जाएंगी। ग्रिल पे स्टील रख सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, प्लास्टिक नहीं रखेंगे, वो पिघल जाएगी। यहाँ हीटर लगा हुआ है, ये क्यों कह रहे हैं, ये हीटर लगा हुआ, वो वेव निकलती है तो हीटर पे आप जो है हीटर के टाइम पे कुछ भी रख सकते हैं, मेटल में प्लास्टिक रखेंगे तो गल जाएगी। ठीक, और ये आपको दो जाली दी गई है, इस पे ऊंचा सामान आएगा, इससे छोटा आएगा। अब तीसरा फंक्शन आपका कन्वेक्शन होता है बेकरी आइटम के लिए, केक, बिस्किट, बन, नान कटाई कुछ बनाना है, बिस्किट नान कटाई बनाना है तो इस पे आप तैयार करके रख लेंगे। केक बनाना है तो एल्यूमिनियम का बाउल आता है केक टिन, उस पे कम से कम 350 ग्राम की रेसिपी तैयार करके आप साइड में रख लेंगे, सामान पहले रेडी करके रखेंगे फिर आप यहाँ से अभी कैंसिल कर रहे हैं। अब हम यहाँ दबाएंगे कन्वेक्शन, जो कि ये लिखा हुआ है, लिखिए है कन्वेक्शन दिया हुआ है, हम कन्वेक्शन दबाएंगे, कन्वेक्शन भी है, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन भी है, कंबाइंड भी है,
तो हम पहले दबाएंगे कन्वेक्शन, जो 110 सेंटीग्रेड कन्वेक्शन लिख के आ गया, यहीं से दबाते रहेंगे तो ये आ जाएगा 180 भी, 200 तक होता है। अब डायरेक्ट हम स्टार्ट दबा देंगे। स्टार्ट इसलिए दबाया, ये खाली माइक्रोवेव इसलिए चल रहा है कि आपको कोई भी बेकरी आइटम पकाएंगे खाली आपको प्री हीट पहले करना पड़ेगा, भट्टी तैयार करनी पड़ती है इसे, तो ये आपको प्री हीट हो रहा है। ये प्री हीट होने के बाद में ये सही 180 टेम्परेचर या जो भी आप लें तो ये बिप करेगा, टिटी टिटी बार बार बोलेगा, जब टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो जाएगा तो आप डोर खोल दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, बिस्किट नान खटाई की ट्रे है तो इस पे रख दोगे, केक का बाउल तैयार है तो इस पे रख दोगे, एल्युमिनियम का बाउल होना चाहिए केक का, ठीक। अब रखने के बाद हम फिर से करेंगे कन्वेक्शन 180 सेंटी, अब पकाना है हमको, वो करेंगे। अब हम यहाँ दबाएंगे कन्वेक्शन, जो कि ये लिखा हुआ है, देखिए है कन्वेक्शन दिया हुआ है, हम कन्वेक्शन दबाएंगे तो कन्वेक्शन भी है, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन भी कंबाइंड भी है, तो हम पहले दबाएंगे कन्वेक्शन, जो 110 सेंटीग्रेड कन्वेक्शन लिख के आ गया, यहीं से दबाते रहेंगे तो ये आ जाएगा 180 भी, 200 तक होता है। अब डायरेक्ट हम स्टार्ट दबा देंगे। स्टार्ट इसलिए दबाया, ये खाली माइक्रोवेव इसलिए चल रहा है कि आपको कोई भी बेकरी आइटम पकाएंगे खाली आपको प्री हीट पहले करना पड़ेगा, भट्टी तैयार करनी पड़ती है इसे, तो ये आपको प्री हीट हो रहा है। ये प्री हीट होने के बाद में ये सही 180 टेम्परेचर या जो भी आप लें तो ये बिप करेगा, टिटी टिटी बार बार बोलेगा, जब टेम्परेचर अंदर मेंटेन हो जाएगा तो आप डोर खोल दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, बिस्किट नान खटाई की ट्रे है तो इस पे रख दोगे, केक का बाउल तैयार है तो इस पे रख दोगे, एल्युमिनियम का बाउल होना चाहिए केक का, ठीक। अब रखने के बाद हम फिर से करेंगे कन्वेक्शन 180 सेंटी, अब पकाना है हमको, वो कैंसिल कर दिया था, अब टाइम दे गया था 35 मिनट। 35 मिनट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा केक 350 ग्राम कम से कम 35 मिनट पकेगा, इससे कम पक नहीं पाएगा, क्यों आधे घंटे में ही केक पकता है, तो 350 ग्राम अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा केक पकेगा, केक पक रहा हो 25 मिनट चल जाए, लास्ट का जब 10 मिनट रह जाए तो आप एक बार डोर खोलोगे, चाकू उसमें डिप करके देखोगे, चिपक रहा है तो नहीं पका है, अगर सूखा निकले तो पक गया है, फिर से स्टार्ट कर दोगे, आगे से टाइम बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आपका केक पक जाएगा। अब बिस्किट नान कढ़ाई अगर आप रखते हैं तो उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम देना है, प्री हीट होने के बाद 8 मिनट पे आप उसको चेक कर लें तैयार है तो आप बाहर निकाल लें, नहीं तो आप उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे, आगे टाइम बढ़ जाएगा, 8 मिनट चेक करना। तो इस तरह से आपके 3 फंक्शन तो मेन हो गए। अब एक चौथा फंक्शन है कंबाइंड, जो माइक्रो प्लस ग्रिल है यहाँ पे और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है, इन्हीं के नीचे दिया हुआ है, ये माइक्रो प्लस ग्रिल है, ये माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है। इस पे क्या पकता है, जैसे कि आप पनीर टिक्का, रोस्टेड मुर्गा ये सब बनाना चाहें तो आधा किलो मटेरियल इस पे तैयार करके काली वाली ट्रे पे आप रख के इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से दबाएंगे। देखिए इस पे ग्रिल बनाएंगे तो आपका ये ग्रिल के बाद ये देखिए कंबाइंड आ गया C1 C2, इस पे आप बनाएंगे तो जरा सा चिमड़ापन आता है, हार्ड होता है। अगर इस पे पसंद है तो आप करिए और आधा घंटे टाइम देके स्टार्ट कर देना है, और अगर आपको इस पे बनाना है इस पे सॉफ्ट बनेगा। देखिए कन्वेक्शन वाला 110 है ये और कन्वेक्शन लिखा है, लेकिन इसको दबाते जाएंगे अभी आएगा कंबाइंड भी आ जाएगा। देखिए 200 के बाद आ गया 110, दोनों कंबाइंड हो गया माइक्रो कन्वेक्शन। अब इसी को हम 200 कर देंगे, ठीक। अब 30 मिनट का टाइम देंगे इस पे, ये सॉफ्ट बनता है, बढ़िया बनता है, और स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से पकाएंगे रोस्टेड वगैरह। हाँ रोस्टेड वगैरह, और इस पे आप रखेंगे गया है बर्फ से, तो इसको आप दबाएंगे, ये वजन पूछता है 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम, जो आपके सामान का वजन है इस पे आप रख के रख दीजिए। जैसे टमाटर लाए उसको आपको पता है आधा किलो है, 200 ग्राम है, बस फिर स्टार्ट कर देना है इसके, इस पे रख के अंदर रखेंगे वो चीज आपकी नॉर्मल हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी। तो ये फंक्शन हुआ, यहीं पे आपका दिया हुआ टाइम क्लॉक, ये बेकार चीज है कि यहाँ पे क्लॉक, यदि प्लग बंद होगा प्लग क्लॉक चली जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कीप वॉर फॉर्मेट, कीप वॉर फॉर्मेट इसमें जो है क्या होगा, जैसे कि आपने इसमें चावल सब्जी दाल कुछ बनाया है भगोने में है, तो उसको आप चाहते हैं कि हम आधा एक घंटे बाद खाएं, तो उसके लिए एक बार दबाइए और यहाँ से टाइम दीजिए जो भी देना है, जितनी देर बाद खाना है और स्टार्ट कर दीजिए। कहने मतलब उतनी देर माइक्रो चलता रहेगा, आपका मेंटेन रखे दवा गर्म था उतना ही गर्म रखेगा ये, ओके। अब यहीं पे इसमें दूसरा वाला फायदेमंद चीज़ है कि आपको जैसे दही जमाना जाड़ो नहीं जम पाता है, फॉर्मेट कुछ करना है, खाना है कुछ, तो इसको दो बार दबाइए, ठीक। एक डेढ़ घंटे इसमें टाइम नहीं देना है, बस डायरेक्ट स्टार्ट कर देना, 30 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। हाँ जैसे नान के लिए आता था, हाँ हाँ वही चीज़, वही ये फॉर्मेट दिया तो है, दो बार करना है इसको। देखिए एक बार में वो होगा और एक बार में ये होगा, ठीक। फर्मेंटेशन लिखा है यहाँ पे, उसमें आपको वार्म लिखा है,
तो इस तरह से आपके ये नॉर्मल तरीका चलाने का हुआ। अब यहीं पे आपके ये ऑटो मेनू दिया हुआ। ऑटो मेनू का मकसद ये होता है जैसे कि केक बनाना है, ठीक है, अब यहीं पे आपको 350 ग्राम बनेगा, ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए अपने आप ले लेगा है तो फिर ये अपने आप हुआ। लेकिन यहाँ पे सब चीज वजन से रखनी है आपको, अगर वजन से आपका डिफरेंट हुआ तो ये जल सकता है, कच्चा रह सकता है। इसी तरह हर चीज है यहाँ पे। चिकन बनाना है, मान लीजिए केक जो है 3.5 की जगह आधा किलो का हुआ, फिर वही चीजें तो है, अभी 3.5 ही बन सकता है, वही चीज तो मतलब नहीं। ये देखिए 475 ग्राम भी शायद बनता है, देखिए है, ये देखिए। अच्छा वो अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया है, मतलब आप यहाँ देखेंगे वजन आपका शो हो जाएगा जितने बार करें। अभी चिकन आपको जैसे रोस्ट करना है, C1, C2, C3 सब में वजन है, 400 ग्राम बनेगा C3 में, ठीक है। तो इसको आप दबाते रहेंगे, वजन आ जाएगा, जब स्टार्ट करेंगे वजन दिख जाएगा आपको। तो इस तरह से ये सारे, ये पिज्जा जैसे बनाना है आपको है, पिज्जा बाजार से लाए रेडीमेड जो आता है बेस, इस जाली पे ऊंची जाली पे रखिए आप, डायरेक्ट बेस रख लें इस पे। हाँ, बेस को पूरा तैयार करके रखना है, मतलब डायरेक्ट इसके अंदर रख देना है, ठीक। अब यहाँ से आप दबाइए इसको पिज्जा, ठीक, C3 में, ठीक है। तो इसको आप दबाते रहेंगे, वजन आ जाएगा, जब स्टार्ट करेंगे वजन दिख जाएगा आपको। तो इस तरह से ये सारे, ये पिज्जा जैसे बनाना है आपको है, पिज्जा बाजार से लाए रेडीमेड जो आता है बेस, इस जाली पे ऊंची जाली पे रखिए आप, डायरेक्ट बेस रख लें इस पे। हाँ, बेस को पूरा तैयार करके रखना है, मतलब डायरेक्टली इसके अंदर रख देना है, ठीक। अब यहाँ से आप दबाइए इसको पिज्जा, ठीक, इस 2-3-2 है ये, 200 ग्राम के लिए है, ठीक, 200 ग्राम वजन होना चाहिए ये चीज। उस पे तो हम गरम कर सकते हैं ना, क्या अगर हमें पिज्जा बनाना है तो बनाने की हम बात कर रहे हैं, गरम नहीं वो तो पक जाएगा आपका पिज्जा इसमें। अच्छा, आप बाजार से लाएंगे तो गरम करने के लिए ग्रिल कन्वेक्शन कर लिए, क्रिस्पी हो जाएगा वो तो, ठीक है। 200 ग्राम के लिए जी, इसमें रख के, हाँ इसमें रख लीजिए, नहीं इसमें ना रखिएगा, देखिए इसमें रखिएगा तो पिज्जा ऐसी चीज है क्रिस्पी, इस पे होगा। अच्छा। इसमें हवा तो नीचे जाएगी नहीं तो नीचे मुलायम हो जाता है। अच्छा। पिज्जा इसी बनाइएगा, मजेदार, मतलब कहीं ले नहीं, ले के आए हैं गरम करना है तो बीच पे करिए। अच्छा। भाई तो मुलायम हो जाएगा ना उसकी, नहीं है तो इस, बताइए फिंगर चिप्स अगर हमें बनाने हो तो इस पे करिए। अब वो भी आ गया, देखिए सामने आ गया। इसमें एक बटन है ऑयल फ्री कुकिंग, ठीक, इसको दबाएंगे H1 करेंगे स्टार्ट कर देंगे तो लाइट ब्राउन चीज बनेगी इसमें, ठीक है, हल्का सा ब्रश आयल लगा दिए कर दिए, इसको दो बार दबा देंगे तो डार्क ब्राउन बनेगी इसमें, ठीक। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, ये माइक्रोवेव का पूरा फंक्शन मैंने बताया। अब इसकी दो चीजें और होती हैं, एक होता है इसका अटैचमेंट होता है कि माइक्रोवेव के पावर को मतलब कि मेंटेन रखता है वो, उसकी कीमत 1465 रुपए, उस पर डिस्प्ले शो होता रहता है कितनी लाइट आ रही है, अगर आपकी लाइट 220 से कम होगी तो माइक्रोवेव करंट नहीं जाने देगा, और अगर वो आपकी लाइट अगर उसमें आप जो है 265 से ऊपर जाएगी तो भी आपका माइक्रोवेव नहीं जाएगी, बीच में आपका शो करेगा वरना ये लाइट जाएगी नहीं, उसको बोलते हैं हाई लो कट, उस पर डिस्प्ले शो होता रहता है कितनी लाइट आ रही है, वो 1465 का है। और दूसरा आइटम तो बहुत जरूरी था इसका, जो आपका क्लीनर होता है माइक्रोवेव की सफाई के लिए, क्योंकि पहले क्लीनर लोग पानी वानी साफ करते जंग पकड़ के चले गए, ये क्लीनर आता है क्लीनर की सफाई के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख लेंगे कैसे सफाई होगी, उसमें साफ कर सकते हैं, और ये 15 दिन पे आपको सफाई करनी है, उसकी कीमत 220 रुपए है। आपको 2 मिनट ग्रिल चलाना है, 2 मिनट कन्वेक्शन चलाना है 200 डिग्री पे, स्टार्ट करके दोनों छोड़ देने हैं एक एक करके, जब वो चल जाएगा 1-1.5 घंटे बाद फिर पहले बाहर साफ करेंगे फिर अंदर साफ करेंगे पूरा, और फिर जरा सा खोल के छोड़ देंगे तो उसका भी जो स्मेल होता है वो भी निकल जाएगा, वो आपका फूड ग्रेड होता है, कोई कॉलिंग जैसी चीज़ नहीं होती है, वो 220 रुपए का, ठीक है, भैया बंद कर दीजिए।